बस्ती में शिक्षा विभाग के गुरुजी केवल कागज नहीं चुराते हैं, स्कूल बिल्डिंग तो है पर बच्चे नहीं। बिना एप्लीकेशन दिए लगभग 10 दिनों से प्रधानाचार्य का कुछ पता नहीं। इस बारे में जब जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच करके उचित कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें, स्कूल के सारे कमरों में ताला लगाकर शिक्षिका मायावती अपने ऑफिस में आराम फरमाती मिलती है। मामला दुबरिया विकासखंड के अंतर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रंबापुर राजा का है। जहाँ तक मेरी जानकारी में वहाँ मायावती है जी, शिक्षिका के तौर पे कार्यरत हैं, शायद इंचार्ज प्रिंसिपल भी वही हैं, अन्य कोई टीचर नहीं है। अन्य और जो भी टीचर कार्यरत होंगे हो सकता संविदा पे हों। एक अन्य टीचर जिसके बारे में रीना के बारे में कह रहे हैं, ऑलरेडी उनकी सेवाएं यहाँ से समाप्त तो कर दी गई थी, वो कोर्ट के आर्डर से स्टे पे हैं लेकिन वेतन नहीं पा रही। अगर वो नहीं आ रही, उनकी सिग्नेचर मायावती बना रही हैं, तो इसकी जाँच हम पूरा करवाएंगे और सत्यता पाए जाने पर जो सिग्नेचर मायावती बना रही हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हमारे स्तर से कराई जाएगी। मतलब अध्यापक कितने आते हैं प्रतिदिन? दो तो नहीं, ऐसा यहाँ कल तीन आए थे जी। कल तो तीन आए थे। हाँ, और रोज़ डेली का मामूल है, आते हैं कि अभी आते हैं कभी नहीं आते हैं? नहीं, ये जो पंपर वाली हैं तो रोज़ डेली आते हैं।